आज हम सीखेंगे नंबर काउंटिंग। काउंटिंग काउंटिंग का मतलब क्या होता है? गिनना, किसी भी चीज को गिनना, यानी नंबर काउंटिंग। जैसे कि हम शुरू में बच्चे को बोलते हैं कि नंबर को काउंटिंग करने आता है, तो बच्चे जल्दी से बोलते हैं हाँ, और वो काउंटिंग करना शुरू करते हैं, 1 to 100 तक काउंटिंग कर भी देते हैं। लेकिन वो क्या रियली में काउंटिंग करना जानते हैं? काउंटिंग का मतलब होता है आप जिस नंबर को बोले, मान लीजिए कि इस हम 5 बोले, तो 5 का मतलब हमें पता होना चाहिए कि 5 का मतलब होता है 5 थिंग्स। 5 कोई भी चीज जो 5 को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी थिंग जो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बच्चे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 100 बोल देते हैं, वहां तक कि वो 100 तक काउंटिंग सही सही बोलते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10। वो ये नहीं पता है। अगर हम उनको बोलेंगे कि चलो 5, मैं यहाँ 5 बोली और मैं बोलती बोल हम बोलते हैं कि यहाँ पे चलो 5 बॉल्स बनाओ, तो बच्चे पता नहीं कितना बॉल्स यहाँ पे बना देते हैं, वो बिना गिने, वो असंग जितना उनको मन करता है 5 के नंबर में उतने बॉल्स बना देते हैं। तो इसे काउंटिंग नहीं बोलते हैं। वो बच्चा बोलना सीख रहा है, बस वो हमारी नकल कर रहा है। हमने उसे 5 बोल दिया है लेकिन वो 5 सीख गया। जैसे कि हम जैसे बच्चे बोलना तो जानते हैं लेकिन वो उसको समझ नहीं पाते हैं, उनको उनका अर्थ नहीं मालूम है। अब जैसे यहाँ 5 में बच्चा बोला, तो उनको पता होना चाहिए कि 5 का मतलब क्या होता है, 5 थिंग। अब हम उनको 7 बोले तो मतलब होगा कि हाँ यहाँ पे 7 बॉल्स या फिर कुछ भी। अब उसे काउंट कर सके, 7 लिखा तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जब मैंने 7 बोला और उसने 7 बॉल एप्पल मैंगो कुछ भी थिंग्स जो कि 7 को रिप्रेजेंट करता है, 7 थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, वो जब बता दिया तब उसको काउंटिंग करना सीख बोलते हैं। तो बच्चे सिर्फ रटना काउंटिंग नहीं, और अक्सर बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं। और हमारे हम भी उन्हें बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ बच्चे का स्तर जो ग्रामीण स्तर के बच्चे होते हैं, या फिर जिनका परिवेश पढ़ाई के अनुकूल नहीं होता है, वो बच्चे कुछ देर में सीखते हैं। तो हम और पेरेंट्स मिलकर ये सही हो, हम अगर कोशिश करें तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो उनको सीखने के लिए सबसे पहले हमको अपने घर के वस्तुएं, जैसे कि आपके घर में आप सब्जी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, आलू खरीदते हैं, प्याज खरीदते हैं, तो जब आलू और प्याज लाइए तो उनको बताइए कि ये आलू कितने हैं, कितने हैं, इसको काउंट करो, इसको छू छू के काउंट करो, और उसको छू छू के उसको पकड़ो, पकड़ के उसको पता करो कि वो कितने आलू है। एक जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने कुछ से, अब जैसे टमाटर खरीदते हैं तो आप टमाटर को दीजिए और बोलिए कि ये एक टमाटर है, ये कितने हैं, एक टमाटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर वो हिंदी में करते हैं या फिर इंग्लिश में करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चा को छू छू कर, बच्चा जब इसे पकड़े और इसे महसूस करे कि अच्छा ये एक थिंग्स है, एक वस्तु है, सिर्फ टमाटर के साथ नहीं, आलू के साथ कीजिए, प्याज के साथ कीजिए, या फिर आप भाटा खरीदते हैं उसके साथ कीजिए, या फिर आपके घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं उनके पत्तों को तोड़ लीजिए उनसे करिए, या फिर आपके घर के चारों ओर बहुत सारे कंकड़ पत्थर है उसको उठा लीजिए और उससे बच्चों को वो अरेंज करवाइए और उससे काउंटिंग सिखाइए। बच्चे उससे बहुत जल्दी काउंटिंग सीखे और गिन गिन के काउंटिंग करना सीखेंगे। ये नहीं कि हम 5 बोल रहे हैं तो 5 नहीं पता है, 7 बोल रहे हैं तो 7 नहीं पता है। शुरू में बच्चे को जब उनको गिन गिन के काउंटिंग करना सीख जाएंगे तब बच्चे को यह अवधारणा समझ में आती है। बच्चे जब एक एक करके काउंटिंग सीख जाए तो फिर उनको
जैसे हम यहाँ पे देखें, अब उनको हम दिखाएंगे चलो ये कितने टोमेटोज हैं, तो ये टू है, तो अब टू है तो उसे टू लिख के दिखाओ, टू है यानी कि टू लिख के दिखाओ, टू ऐसे दिखाता है। उसी प्रकार इसमें अब और हम ऐड कर सकते हैं, अब बताओ कितने हैं, तो ये फोर है, तो हम बच्चे को फिर से बोलेंगे चलो फोर लिख के दिखाओ, तो ये फोर, मतलब बच्चा जब देख रहा है वो समझ रहा है कि 1 2 3 4 यानी फोर है, यानी कि हमको फोर यहाँ लिखना है, फोर इस प्रकार लिखा जाता है। अगर हम फाइव उठाते हैं तो बच्चा फाइव देख के समझ जाए कि यहाँ पे फाइव है, यानी कि कोई भी थिंग्स है जिसको हम काउंट करें 1 2 3 4 5 यानी कि क्या है, तो फाइव इस प्रकार। अब हम फाइव बोले तो वो समझ जाए कि फाइव मतलब फाइव थिंग्स या फाइव वस्तु। उसी प्रकार बच्चे नंबर काउंटिंग को आगे भी बढ़ाते हैं, अगर हम 12 लिखें तो 12 इनको क्या करेंगे हम पत्तों से, पत्तों के माध्यम से हम उनको इकट्ठा करवाएंगे और उनको काउंटिंग सिखाएंगे कि 12 है यानी कि 12 लीव्स तोड़ के ले आओ, तो 17 है तो 17 लीव्स तोड़ के ले आओ, 20 है तो 20 लीव्स तोड़ के ले आओ। तो बच्चा जब 20 अगर बोलते हैं और वो 20 लीव्स तोड़ के ले आता है तब इसका मतलब है कि उसे अच्छे से काउंटिंग पता हो गया। उसी प्रकार अगर 17 बोलते हैं और 17 लीव्स तोड़ के लाता है तो हम जान जाते हैं कि वो काउंटिंग जान गया। इसी प्रकार हमें काउंटिंग सिखाना है। काउंटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि 1 to 100 तक बस काउंट करना, काउंटिंग का मतलब क्या होता है कि काउंट कि जितने नंबर है उतना उसे समझ में आना कि उसके प्ले उसका किस जगह प्लेस है। अगर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो इनके वंस के प्लेस और इनको टेंस के प्लेस यानी कि 10 और 2 12 10 और 2 12 10 और 17 और 2 10 यानी कि 20 इस प्रकार पढ़ाए।